हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग फर्स्ट पार्ट में डिनोमिनेटर 20 चाहिए हमें। तो सबसे पहले देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, जो इक्वल हो, और हमें गिवन है किसके, 3/5 के। तो इसको कैसे लिखेंगे, जो फ्रैक्शन हमें गिवन है सबसे पहले हमें वो लिखना है। 3/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए हमें किस फॉर्म में, जिसमें डिनोमिनेटर 20 हो। आपको पता है डिनोमिनेटर कौन सा पार्ट होता है, नीचे वाला पार्ट। तो हमें ऊपर वाला पार्ट फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमने कैसे किया था, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 में किया था कि हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि जो आमने सामने के नंबर्स गिवन हैं वो बड़े हैं या घटे हैं। तो देखिए 5 से 20 हो गया, तो 5 से 20 हुआ तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हुआ है। अब हमें ये चेक करना है कि कितने से मल्टीप्लाई हुआ, तो 5 4 जा 20, तो इसका मतलब मैंने 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया होगा तो मेरा डिनोमिनेटर 20 बना है। तो सेम प्रोसेस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए हमेशा अगर हम एक पार्ट को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो सेम नंबर से हमें दूसरे पार्ट को भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होता है। तो हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 4 12। तो इस मीन्स हमारे जो 3/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो क्या है, 12/20। ये था पार्ट ए। पार्ट बी है हमारे पास, पार्ट बी में हमें न्यूमिनेटर गिवन है 9, न्यूमिनेटर इक्वल्स टू 9। तो किसके इक्वल चाहिए, 3/5 के। तो सबसे पहले वही सेम चीज, हमें 3/5 लिखना है। अब न्यूमिनेटर कौन सा होता है, ऊपर वाला नंबर। तो हमें 9 ऊपर वाला नंबर गिवन है और हमें नीचे वाला नंबर फाइंड आउट करना है। तो सेम प्रोसेस, हमें चेक करना है कि जो आमने सामने वाले नंबर से दोनों 3 और 9, 9 3 से बड़ा है तो इसका मतलब हमने मल्टीप्लाई किया होगा। अब किससे किया होगा, 3 3 जा 9, हमने 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया होगा तो हमारे पास 9 आया है। तो इट मीन्स हम 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 9/15। तो इट मीन्स ये क्या हो गया कि 3/5 के जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, 9/15। कम टू द पार्ट सी। सी पार्ट में हमें डिनोमिनेटर गिवन है, डिनोमिनेटर गिवन है हमें 30। तो सेम प्रोसेस, हमें पहले गिवन फ्रैक्शन लिखना है 3/5, इक्विवेलेंट हमें चाहिए, डिनोमिनेटर 30 है तो नीचे लिखेंगे और ऊपर हमें बॉक्स में नंबर फाइंड आउट करना है। तो सेम थिंग, 5 से 30 हो गया तो इसका मतलब हमने 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया है। 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास डिनोमिनेटर 30 है, तो हम ऊपर जो हमारा यहाँ पर न्यूमिनेटर है उसको भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 6 जा 18। इसका मतलब है कि 3/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा, जिसमें डिनोमिनेटर 30 है वो होगा 18/30। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास पार्ट डी। पार्ट डी में हमें न्यूमिनेटर गिवन है 27, न्यूमिनेटर हमें गिवन है 27। तो आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें क्वेश्चन को कैसे लिखना है। पहले गिवन फ्रैक्शन, उसके इक्वल चाहिए हमें, न्यूमिनेटर दे रखा तो इट मीन्स हमें इसको ऊपर लिखना है और नीचे वाला नंबर हमें फाइंड आउट करना है। अब सेम प्रोसेस, हमें क्या चेक करना है कि 3 से 27 हुआ है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हुआ है और किस टेबल पर हुआ है, तो हम देखेंगे 3 9 जा 27 होता है। तो ऊपर अगर 9 से मल्टीप्लाई है तो हम नीचे भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 9 जा 45। इट मीन्स 3/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा, 27/45। तो ये था क्वेश्चन 4। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है।
तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।